So myself, Dr. Satpal Yadav, working as assistant professor in Lakshmibai National Institute of Physical Education, Northeast Regional Center, Guwahati. So today my topic is mechanical analysis of throwing and striking. So we'll start with the introduction of the throwing and the striking. Right? Fekna or Prahar Karna. So the throwing and the striking involves imparting velocity. Jab hum kisi vastu par force apply karte hain, to vastu जो ऑब्जेक्ट है इट फ्लाइज इन द एयर, वो एयर में फ्लाई होता है. एंड दिस थ्रोइंग एंड द स्ट्राइकिंग वी ह्यूमन एज ए ह्यूमन वी हैज यूज्ड फॉर आवर नीड्स. हम अपने जरूरत के हिसाब से इसको यूज में लेके आते रहे हैं. इट इन्वॉल्व्स इन द कैजुअल परसुएट ऑफ हंटिंग फॉर द फूड, स्पोर्ट्स एंड द वॉर इज कंसर्न. ठीक है, ये गतिविधियां थ्रोइंग एंड स्ट्राइकिंग हम अपने भोजन, युद्ध के लिए और खेल के लिए हम यूज में लेके आते रहे हैं. नाउ थ्रोइंग एंड द स्ट्राइकिंग वी हैव रैंक हायर आफ्टर द लिफ्टिंग एंड द कैरिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट. यू सी एंड द ह्यूमन मशीन्स हैज द गुड इन दिस एक्टिविटीज लाइक थ्रोइंग, स्ट्राइकिंग and very much superior in the accuracy and adaptability. Aim of throwing and striking. The aim of throwing and striking are many and varied. कई और विभिन्न aim हैं throwing और striking के. और जब भी हम किसी वस्तु को अपने हाथों द्वारा फेंकते हैं, we apply force on that object. और कई बार हम किसी उपकरण का use करते हैं और वो उपकरण इट गेट इंटरवेंट बिटवीन द हैंड एंड द प्रोजेक्टाइल. फॉर एग्जाम्पल द स्लिंग शॉट, गुलेर एंड सम ऑफ द कॉमन फीचर्स ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज टू गेट रिलीज विद द एप्रोप्रिएट काइनेमैटिक पोजीशन एंड द वेलोसिटी. देर आर सम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ थ्रोइंग एक्टिविटीज दैट इज टू कवर मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम एक्यूरेसी, स्पीड एंड एक्यूरेसी, अधिक दूरी तय करना, अधिक सटीकता और गति और सटीकता. दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द थ्रोइंग एंड द स्ट्राइकिंग. एंड स्ट्राइकिंग ऑल्सो रिक्वायर सेम द काइनेमैटिक्स व्हेन द ऑब्जेक्ट लूज कॉन्टैक्ट विद द इंप्लीमेंट. मैकेनिक्स ऑफ थ्रोइंग एंड स्ट्राइकिंग. We throw for more distance, for the accuracy and for the speed. हम दूरी, गति और सटीकता के लिए फेंकते हैं. So mechanically जो primary aim है, it depends upon directly or indirectly for the requirement of the secondary aim. Velocity, angle of projection, release, the height of release of the projection to the horizontal range. From the release to the landing, these all are interrelated. Some distance can be obtained by the combination of the magnitude and the direction of velocity. The range get increased. जो परास है, वो increase होता है कब? If both the velocity and height get increased. यदि वेग और ऊंचाई दोनों बढ़ते हैं, तो जो परास है, वो भी बढ़ता है. So the increased velocity from 1 to 1.5, that is the 10%, अगर हम velocity जो वेग है उसको increase करते हैं 1 to 1.1, that is the 10%, it get effect, right? ये वो प्रभाव देता है जिससे कि that range get increased by 1 to 1.21, that is the 21% it get increased. Why? Because the velocity has squared. So that the important here is to increase the magnitude of the velocity. ऊंचाई बढ़ाना काफी हद तक सीमित है जब तक कि हम फेंकने के लिए किसी ऊंची इमारत या किसी शीर्ष जगह पर नहीं चढ़ते. In any sports activities like football, shot put, discus, hammer, javelin, cricket, baseball, basketball, badminton, etc. इसमें क्या करता है वो एथलीट, ही यूज टू प्रोजेक्ट दैट इंप्लीमेंट, राइट, ही यूज टू प्रोजेक्ट दैट ऑब्जेक्ट इन द एयर. एथलीट क्या करता है, उस इक्विपमेंट को प्रोजेक्ट करता है एयर में. द क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस डिपेंड्स अपॉन द फैक्टर्स दैट गवर्न्स
the outcome of the projectile. जो परफॉर्मेंस है उसकी जो क्वालिटी है वो डिपेंड किस पे करेगा, जो फैक्टर्स है प्रोजेक्टाइल के. देर आर मेनी फैक्टर्स लाइक द स्पीड ऑफ रिलीज, हाइट ऑफ रिलीज, वेलोसिटी ऑफ रिलीज. सो दैट द नॉलेज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट यू कैन एनहांस द परफॉर्मेंस प्रोजेक्टाइल मोशन. हम इसको इस तरीके से समझते हैं. सो देर आर थ्री फोर्सेस विच आर एक्ट इन द प्रोजेक्टाइल. कौन कौन से? द ग्रेविटी, द इनिशियल फोर्स सो दैट द ऑब्जेक्ट गेट मूव्स, एंड द एयर रेसिस्टेंस, गुरुत्वाकर्षण, प्रारंभिक फोर्स जिससे कि गति उस ऑब्जेक्ट में गति मिल रही है, और वायु प्रतिरोध. अगर हम वायु प्रतिरोध को हटा देते हैं, इफ यू रिड्यूस द एयर रेसिस्टेंस, देर आर द टू फोर्सेस दैट एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट टू गेट प्रोजेक्टेड. यदि हम प्रतिरोध को बाहर कर देते हैं तो हम दो बल पर कार्य करते हैं. पहला वन दैट इज द इनिशियल फोर्स, दैट इज द कांस्टेंट, एंड इट डिटरमाइंस एट द टाइम व्हेन यू रिलीज द ऑब्जेक्ट. सेकंड द फोर्स दैट कॉज ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी व्हिच इज कांस्टेंट एंड इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो दूसरा क्या, गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण का जो बल है वो स्थिर रहता है और वो नीचे दिशा की तरफ कार्य करता है. सो इन दिस सिचुएशन द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, जो शैक्षित वेग है ऑफ द बॉडी, रिमेन्स कॉन्स्टेंट. सो इन दिस सिचुएशन द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज गेट कॉन्स्टेंट. जो शैक्षित वेग है वो कॉन्स्टेंट रहता है. क्यों? क्योंकि हमने जो एयर रेसिस्टेंस को हटा दिया है. जो ऊर्ध्वाधर वेग है, the vertical velocity initially क्या होगा, वो reduce होगा because of the gravity, right? और जैसे ही वो वापस आएगा, it get accelerate harder, the velocity get more. So whether the horizontal velocity remains the constant and the vertical velocity is changing at the constant rate, so that the projectile which suppose has to be go in the straight line, the direction of release follows a curvilinear path, right? वक्रीय भाग जो curvilinear path है उसको हम parabola कहते हैं. और जब उसमें motion produce होता है उसे हम projectile motion कहेंगे. In striking we generally face some difficulty or the problem because we don't have the control on that one. There are the three situation of projectile. प्रक्षेपीय गति में तीन अलग अलग स्थितियां होती हैं. पहला, the point of release and the point of landing are at the same level. जिस बिंदु से हम रिलीज करते हैं और जिस बिंदु पर वो लैंड होता है उसका जो सतह होता है वो सेम होता है. दूसरा, the point of release is higher than the landing. जिस बिंदु से वो रिलीज हो रहा है वो ऊंचा होगा जहां वो लैंड करेगा. The third point is the point of landing is higher than the point of release. जहां वो लैंड कर रहा है वो हायर होगा from the point where it has been released. इसको हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं. The point of release and the landing point is at the same. For example, kicking the football above from the ground. Kicking the football above from the ground. A golf ball get hit for the long shot. A hockey bat hit us at rising shot. And many of the exercises has been done in the gymnastic. Next, the second point, the point of release is higher than the point of landing. Here some of the example are the shot put, discus, hammer, diving, even in the long jump. How in the long jump? If we give the reference of center of the gravity of the body during the takeoff is higher. That is why we considered in the long jump. And the third one is when the point of landing is higher than the point of release. The situation in the sports is very rare. So the typical example here is the shooting in the basketball, right? The aim here is to fulfill when the ball get basket. And
In the same case of high jump also, the aim of high jump is to clear the bar and land on the pit with your back. And the same way in the pole vault also. When we are not considering the resistance, जब हम प्रतिरोध को ध्यान में नहीं रखते हैं तो अधिक दूरी तय करने के लिए for covering the maximum distance, we require the optimum angle of projection, and that should be 45 degrees. The biomechanics of throwing and striking, the factors which affect जो फेंकने और प्रहार करने को प्रभावित करने के जो कारक हैं, that is, as we have discussed earlier, for the maximum distance, for the maximum accuracy, and for the speed and the accuracy, right? अधिक दूरी तय करने के लिए जो फैक्टर्स अफेक्टिंग हैं, पहला फैक्टर है वेलोसिटी ऑफ रिलीज, या फिर इसे हम स्पीड ऑफ रिलीज भी कहेंगे. So the greater will be the release velocity, it produces greater the distance required. So to know that, we must know what is speed. And what is speed? The rate of change of movement that has been calculated by equated distance upon the time taken. And the unit is centimeter, meters, kilometers, yard. For example, covering 100 meter in 10 seconds, we used to say the speed is 10 meter per second. As only the magnitude is known, so it is a scalar quantity. So, to know the velocity, we must know what is displacement. Because the velocity is the rate of change of displacement. And what is displacement? The shortest distance between the two endpoints. So, if we equate this velocity, displacement upon the time taken. In this, the direction is involved. All the things remains the same, only here is the direction is involved. Movement release, as the movement, the object get released from the hand. And how we can get that? By the photographic techniques, by using the cinematography. We used to capture at the moment when the object is get released. Next is angle of release. Optimum release angle produce the greater distance. Right? अगर ऑप्टिमम एंगल होगा सो दैट इट कवर्स द मैक्सिमम डिस्टेंस. यदि बल हम लगाते हैं, इफ वी अप्लाई द फोर्स एंड दैट इज इन द ऑप्टिमल प्रोपोर्शन इन द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, फॉर दैट वी रिक्वायर स्ट्रेंथ एंड द स्ट्रेंथ इज मेनी एंड द स्ट्रेंथ इज डिपेंड्स ऑन द जेनेटिक एज वेल एज इट कैन बी इम्प्रूव थ्रू सम ट्रेनिंग सम वर्कआउट. And we can apply force on that one. If the angle is more, the object will fall close to. And if the angle is less, it will not travel so far. If only the optimal distribution could be between the vertical and the horizontal component, it differs from the athlete to athlete. Some athletes may have tall, some athletes may have good in strength. So it depends upon the athletes to athlete. Next is the height of release. Greater release height will produce greater distance. If, for example, if the height of a shot putter is 2 meters tall, he can throw much more distance. So the good shot putters are almost 2 meters tall and 120 kgs plus. They are so strong and so fast. Next factors affecting throwing and striking is the maximum accuracy. Sateek, right? Adhiktam sateektata ke liye. For that, we require the release point from where the object is get released. If suppose if we throw the ball follow a path that is tangent to that release point. And it make an arc so that the throwers get in the motion. So the releasing point is also very important for the maximum accuracy. The same, you can take the example in basketball. At the time, it depends at what point, release point, you are delivering so that you are attaining your aim to get basket. Next is the throwing arc. The path produced in curvilinear
is the proper sequence of that movement pattern. That movement pattern has to be followed, right? At the time when you see the javelin throw, your body is get the arc, and the javelin is also imparted the arc, the yaw, the application of the force, so that it gives an arc, and it depends upon the pattern of the movement. ठीक है, पैटर्न की उचित क्रम को उस हिसाब से प्लेस किया जाता है, सो दैट द पैटर्न गिव्स एक्यूरेसी टू दैट थ्रोइंग मूवमेंट. नेक्स्ट फैक्टर इज फॉर द स्पीड एंड द एक्यूरेसी, गति और सटीकता के लिए. फॉर दैट द काइनेटिक चेंज, काइनेटिक चेंज मींस द समेशन ऑफ द फोर्सेस, जो फोर्सेस का जोड़ है, और वो कहां से आएगा, दैट इज फ्रॉम योर टू, फ्रॉम योर नी, फ्रॉम योर हिप, फ्रॉम योर शोल्डर. यू सी, दिस गिव्स ए मूवमेंट पैटर्न, इट गिव्स द समिंग अप ऑफ द सेगमेंट्स, सो दैट इट गिव्स ए चेनिंग फैक्टर्स, इट गिव ए काइनेटिक चेन, सो दैट इट ट्रांसफर दैट फोर्स व्हिच हेल्प्स टू गेट इन स्पीड एंड टू गेट द एक्यूरेसी ऑन दैट. Throwing arc also one of the factors to get speed and accuracy, as we have discussed, so that the path produced in the curvilinear. Next is the releasing point. This also we have discussed, which is depends upon the objective of the skill. For the speed, for the accuracy, for the distance has to be covered, or the combination of, or the modification of the pattern. At the time when you get to a release, it's depend upon the object of the objective of the skill, aerodynamic, the curve of the ball, or while applying a force at the time when you throw a javelin, you must know what helps in that. The javelin, it will resist or assist, right? If we throw, if the tailwind is occurring, it going to be assist, it helps to travel more distance, and if the headwind is coming, then it goes to resist the javelin. And it also, why does a ball get curves? It is because of the Magnus effect. What is that Magnus effect? When we release any object in the air and we apply the top spin on that one, the wind gets stuck in the top and oppose in the top and resist in the downward. So it travels towards the low pressure. And on the other side, if in case of the backspin, the top side has the low pressure, then the bottom, which is having the high pressure, the object will move at the low pressure. This phenomena is said to be the Magnus effect. Thank you.